केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहाँ पहुँचा दिए सिलेंडर 1200, और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं, तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने? ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है? आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी? और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है, रिफाइन तेल है, खाने पीने के चीज़ें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है? और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का, आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है? बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के MOU हुए हैं, ज़मीन पर कुछ कारखाने आ गए हों, तो हमें आप बताइए। कल मैं लखनऊ से घोसी गया था, जहाँ पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ लखनऊ से, यहाँ पर अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता दें। तो जहाँ उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं? और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी, पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देते, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती, और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की, आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है, रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्यौहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी, क्या वो बसें इस लायक हैं, वो जो चलने लायक है? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं, और अगर ड्राइवर कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रुक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है उस पर लाठी मार रहे हैं आप, आवाज़ ना उठे इसलिए लाठी चला रहे हैं आप। तो ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने जा रही है, संविधान को ख़त्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं, दिल्ली के 10 साल की सरकार के, 24 तक इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा, इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। गठबंधन को लेकर, गठबंधन को कल मुंबई में एक मीटिंग है आप लोगों की, इंडिया की, रक्षाबंधन करते हुए दिन भी है, इस बंधन को लेकर क्या कहेंगे, क्या उसको? रक्षाबंधन तो त्यौहार हमारी बहनों को, माताओं को सम्मान देने का है, सब मनाते हैं त्यौहार, इंडिया गठबंधन बना है, मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है, इंडिया के साथ साथ PDA को साथ लेकर। गणेश जी, किसान परेशान है, अगर कर्ज माफी की बात आई, NDA को करना चाहिए कर्ज माफी, और नहीं करती है तो क्या इंडिया करेगी कर्ज माफी? ये कर्ज माफी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, लेकिन क्योंकि किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसकी फसल के लिए, उसको फिर उसी स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया। एक तो कारण महंगाई है जिसकी वजह से किसान वहां पहुंच गया, दूसरा कारण ये है कि सरकार ने यह कहा कि उसकी आय दोगुनी कर देंगे, आय तो दोगुनी हुई नहीं, कीटनाशक दवाइयां, बीज और जो भी खरीद किसान कर रहा है वो सब महंगा हो रहा, जिसके कारण उसे फिर लोन में उलझा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा कि किसानों को कैसे सुविधाएं दी जाएं,
अगर सुविधा में ये शामिल है कि उन्हें बैंकों से भी मदद हो तो उस पर भी विचार करना जरूरी होगा।